महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीदना, महंगे से महंगे शूज खरीदना, रेस्टोरेंट में जाके महंगी डिशेस ऑर्डर करना, ये ह्यूमंस को ना बड़ी ज़्यादा खुशी देता है। और कुछ लोगों का पता है डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट अच्छा है भी या नहीं है। ऊंचा प्राइस माने ऊंची क्वालिटी, कम प्राइस मतलब हल्की क्वालिटी। क्या आप भी उनमें से एक हो? मुझे नीचे जाके कमेंट कर बताओ, जो ये मानता है सिर्फ अगर प्राइस ज़्यादा होगा ना एक प्रोडक्ट का तो ही वो प्रोडक्ट अच्छा है। एक स्टडीज में ऐसा बताया गया था कि ह्यूमंस का ना ये नेचर होता है, वो उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यू करते हैं जिसका प्राइस होता है ज़्यादा। ये कुछ केसेस में तो सही भी होता है बट बहुत से केसेस में सच नहीं भी होता। अब अगर आप भी उनमें से एक हो जो महंगे कॉस्मेटिक्स में इन्वेस्ट करता है, महंगी से महंगी क्रीम लेता है कि यही क्रीम मेरी स्किन कंसर्न्स को दूर करेगी, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग और अफोर्डेबल इंग्रेडिएंट लेकर आया हूँ जो है तो फ्री के बराबर बट आपकी स्किन के लिए मैजिक की तरह काम करने वाला है। आप अगर एक डर्मेटोलॉजिस्ट पास जाओगे ना, वो सीधा सीधा आपको गाइड करेगा कि PRP करवा लो, हाइड्रा फेशियल करवा लो, आप चाहो तो लेज़र ट्रीटमेंट्स करा सकते हो, आपके डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन को बिल्कुल दूर कर देगा। तो अगर आप भी उनमें से एक हो जो हज़ारों रुपए खर्च देते हैं इन ट्रीटमेंट पे, तो ये हम्बल इंग्रेडिएंट आपके लिए अमेजिंग ही रहने वाला है। हम बात कर रहे हैं पोटैटो या फिर कहें आलू के बारे में। ये आपके घर पे इजीली अवेलेबल तो है और बहुत यमी होता है, बहुत लोगों का फेवरेट होता है आलू, मेरा तो देखो पर्सनल फेवरेट है। बट रही बात स्किन की, किसी मैजिक से कम नहीं है, आपकी स्किन को इंस्टेंट फिक्स करने का काम करेगा और स्किन पॉलिशिंग का काम करने वाला है आपके लिए। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं हाउ यू कैन फिक्स योर मेजर स्किन प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ अ पोटैटो। हमारी आज की अमेजिंग और पावरफुल रेमेडी के लिए आपको टोटल 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। थोड़ा बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में, थोड़ा जानते हैं उनके फायदे, फिर आगे बढ़ेंगे मेकिंग की तरफ। इंग्रेडिएंट नंबर 1, पोटैटो जूस। आलू जो है वो आज का हमारा मेन इंग्रेडिएंट है और वो सारी गुडनेस ऐड करने वाला है हमारी आज की पावरफुल रेमेडी में। कैसे, आपको वो बताता हूँ। जो पोटैटो होता है ना, वो आपकी स्किन को रिजुविनेट करने का काम करता है क्योंकि उसके अंदर होता है विटामिन सी, साथ में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपकी स्किन को रखते हैं आपकी हेल्दीएस्ट फॉर्म में। इसके अलावा पोटैटो का ना अल्कलाइन सा नेचर होता है जो आपके फेस पे यूथफुल वाला ग्लो बनाए रखता है। अगर आप डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन से परेशान हो तो सीरियसली बता रहा हूँ, पोटैटो जूस से इफेक्टिव कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने मुंह को क्लीन करो और रोज सुबह आलू का रस कॉटन से डार्क स्पॉट्स पे लगा लो, विजिबली आपके डार्क स्पॉट फेड होना शुरू हो जाएंगे। पर रही बात हमारी आज की रेमेडी में, इसमें 2 पावरफुल इंग्रेडिएंट और जुड़ने वाले हैं पोटैटो जूस के साथ जो आलू के रस को और ज़्यादा पोटेंट और ज़्यादा इफेक्टिव बना देंगे। तो इन सब फायदों को जानने के बाद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो पोटैटो जूस है ना वो एक सुपर फूड का काम करता है हमारी स्किन के लिए। इंग्रेडिएंट नंबर 2, राइस वाटर। बड़ा ही पोटेंट ब्यूटी इंग्रेडिएंट है राइस वाटर, जिसको सदियों से यूज किया जाता है फॉर ब्यूटी पर्पसेस। मेरे दिमाग में पता है सीधा सीधा क्या आता है जैसे ही राइस वाटर बोलता हूँ, ग्लास स्किन। और ये ग्लास स्किन एक ऐसा कंसेप्ट है जो कोरियन लोगों से इंस्पायर होकर इंडियंस को इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है ना और इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि हर कोई अचीव करना चाहता है ग्लास स्किन। तो बस राइस वाटर को अडेप्ट कर लो अपने स्किन केयर रूटीन में। जो राइस वाटर होता है ना, उसका वो आपकी स्किन का टेक्सचर बहुत हद तक इंप्रूव करने का काम करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, लाइटन अप करता है, इतना स्मूथ कर देता है कि आपको वो ग्लास स्किन वाली लुक मिलने लग जाती है। आप अगर राइस वाटर को अलग से यूज़ करना चाहते हो ना, पता है बस क्या करो, एक खाली लो स्प्रे बॉटल, उसमें भर लो राइस वाटर और रेगुलरली अपने फेस पे स्प्रे किया करो। वो आपके पोर्स को टाइटन अप करने का काम करेगा, आपके फेस को रखेगा ऑयल फ्री और ये भी यूथफुल अपीयरेंस बनाए रखता है। साथ में मेक श्योर करता है कोई भी डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन आपके फेस पे बिल्कुल भी टिक ना पाए। इंग्रेडिएंट नंबर 3, लेमन जूस। जो मार्केट वाली ब्लीच होती है ना, क्या जबरदस्त ग्लो देती है हमारे फेस पे, पर लेमन तो दे देगा हमारे फेस पे नुकसान, है कि नहीं? बिल्कुल टेंशन ना लो, 100% सेफ है ब्रो, लेमन जूस कोई नुकसान नहीं देता। पर जैसे मैं बताऊंगा ना वैसे यूज़ करना। अब क्लियर बात बोल रहा हूँ, डायरेक्ट लगा लोगे तो वो नुकसान देगा ही, आपकी स्किन को इरिटेट कर देगा, रेड भी कर सकता है। बट अगर उसको डाइल्यूट कर यूज़ किया जाए ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा देता है आपके फेस पे। और सच बताऊँ, वो बिल्कुल पैरेलल खड़ा होगा एक फेस ब्लीच के बराबर अगर बात ग्लो की आती है। बट फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता तो आप स्किप कर सकते हो लेमन जूस की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 2 इंग्रेडिएंट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। बट रही बात लेमन जूस की, वो आपके फेस पे एक्सफोलिएशन का काम करता है, डेड स्किन को हटाता है, एक्ने को कंट्रोल करता है, आपके फेस को रखता है बिल्कुल ऑयल फ्री और साथ साथ डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन को भी करता है फेड। अब जब आप सारे पावरफुल इंग्रेडिएंट से वाकिफ हो चुके हो, सीधा आगे बढ़ते हैं मेकिंग की तरफ। सबसे पहले चाहिए होगा हमारे को आलू का रस। उसके लिए आपको करना क्या, आपने लेना है 1 से 2 आलू, उनको अच्छे से ग्राइंड कर लो और उसको निचोड़ कर उसका रस अच्छे से निकाल लो। आपने उस रस को छान लेना है ताकि कोई भी स्ट्रेन उसके अंदर ना आए। आपको आलू का रस चाहिए होगा लगभग आधा कप। इसके बाद आपको चाहिए राइस वाटर। वो आप कैसे अटेन कर सकते हो ये बताता हूँ। सबसे पहले तो लो चावल,
अच्छे से उनको दो बार वॉश कर लो ताकि सारी गंदगी हट जाए। फिर आपने उन चावलों को पानी में भिगो कर रख देना है मिनिमम 2 से 3 घंटे, चाहो तो ज़्यादा देर भी रख सकते हो। देन आपने उस पानी को अलग कर लेना है, राइस के ग्रेन से छान लेना उसको। चावल को आप कुक कर सकते हो और आराम से इंजॉय कर सकते हो। आपको चावल का पानी भी चाहिए होगा लगभग 1/2 कप। अब इन दो वाटर को आप मिक्स कर सकते हो। इसमें आपने डालना है एटलीस्ट 2 चम्मच लेमन जूस। अगर आपको ऐसा लगता है लेमन ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और अगर लेमन जूस नहीं भी डालना तो आप स्किप भी कर सकते हो, टोटली योर चॉइस। फायदे क्या क्या देगा मैंने आपको वो जस्ट बताए हैं। अब आपने इन तीनों लिक्विड को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो ये लिक्विड है आपने इसको ट्रांसफर करना है एक आइस ट्रे में और इसको फ्रीजर में रख लेना है ओवरनाइट के लिए। और जब आपकी वो क्यूब्स रेडी हो जाएंगी ना, यही है हमारी आज की पावरफुल ब्यूटी क्यूब्स जो आपको देगी आपकी स्किन का बिल्कुल ही नेक्स्ट वर्जन। सबसे खास बात, ये वाली आइस क्यूब्स आप 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हो, खराब नहीं होने वाली, प्रोवाइडेड ये फ्रोजन है, मेल्ट नहीं हुई। जब तक ये फ्रीजर में रखी और फ्रोजन, आप इसको जब मर्जी चाहे यूज कर सकते हो फॉर अबाउट अ वीक। अब बात आती है इसको यूज कैसे करना है और कब करना है। देखो, जब आपको फील हो रहा है आपका फेस डल है, डिहाइड्रेटेड है, अंडर नरिश्ड है, आप इसको यूज कर सकते हो और अमेजिंग रिजल्ट्स अपने लिए अचीव कर सकते हो। वैसे बेस्ट टाइम है इसको यूज करने का रात का। अपना रात में एक रूटीन बना लो कि डेली मैंने एक आइस क्यूब यूज करनी ही करनी है। पर एक चीज मैं आपको एडवांस में बता दूं, कभी भी आइस क्यूब डायरेक्टली यूज नहीं करनी। आपने एक पतला सा कपड़ा ले लेना है, जो चुन्नी वाला कपड़ा होता है ना, वैसा कपड़ा ले लिया और उसमें 2 आइस क्यूब्स डाली और अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में रब करना शुरू कर दो। जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं ना, उसके लिए भी ये बहुत पोटेंट और बहुत इफेक्टिव है। आपके आंखों के नीचे की पफिनेस तो हटाएगा, डार्क सर्कल्स को भी विजिबली फेड कर देगा। इस रेमेडी की सबसे खास बात यह, जब आप आइस क्यूब्स को रब करोगे ना, आपको वॉश करने की फेस बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टोटली ऑप्शनल है। मन करे तो वॉश करो, नहीं करना तो मत भी करो। जो लिक्विड आपके फेस पे है उससे अच्छे से मसाज कर लो जब तक वो आपकी स्किन में चला जाए, और आप इसको ओवरनाइट लीव ऑन कर सकते हो। तो सोचना करो बंद और ट्राई करो हमारी ये पावरफुल रेमेडी। सही बता रहा हूँ, महंगे प्रोडक्ट्स तो बढ़िया होते हैं बट सस्ते बुरे नहीं होते यार, एक बार ट्राई तो कर देखो। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बट सबसे ज़रूरी बात आपने करना है हमारी वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी लुफ्त उठा पाएं सस्ते प्रोडक्ट्स का और अपनी स्किन का बेस्ट वर्जन अचीव कर पाएं। एक खास बात आपको बताना चाहूँगा, हमने लॉन्च की है अपनी वेबसाइट www.rohitsachdeva.in। कभी भी कोई कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट खरीदने का मन हो तो एक बार वहाँ पे विजिट कर सकते हो। आपको अमेजिंग प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं अमेजिंग ऑफर प्राइसेस के साथ। आपको कैश ऑन डिलीवरी भी मिलेगी, प्रीपेड भी मिलेगी। बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी मंगाते हो, ऑर्डर प्लीज़ रिसीव किया करो। हमारे को बहुत नुकसान होता है, प्रोडक्ट जाता है फिर वापस आता है, बहुत सी चीज़ें ट्रैक करनी पड़ती है। तो जब ज़रूरत हो तब मंगाओ, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको, पर तभी मंगाना जब एक्चुअली आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत है। हम तब तक मिलेंगे आपके साथ एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।